सड़कों पर तैरती नाव, घरों में घुटनों तक भरा पानी, और घर की छतों पर डेरा डाले लोग, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाली तस्वीरें कहीं और नहीं बल्कि बांग्लादेश की हैं, जो भी देश में सत्ता परिवर्तन जैसी बड़ी घटना से उभर भी नहीं पाया था, और अब वहां प्राकृतिक आपदा ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, जिसकी चपेट में अब लाखों लोग आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश के 12 जिलों में भयानक बाढ़ आई, जिसका असर 36 लाख लोगों पर पड़ रहा है। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं और लोग छतों पर फंस गए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बाढ़ बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। टेली कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से बहुत जानकारी नहीं मिल पा रही है। इन सब के बीच हैरान कर देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस आपदा का आरोप भारत पर लगाया है, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि नई अंतरिम सरकार के कुछ नेताओं ने लगाया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में बाढ़ भारत की वजह से आई है। अंतरिम सरकार के कुछ नेता समेत खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के कुछ नेता भी इस बाढ़ के लिए भारत को दोषी बता रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा था कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया है, जो एक अमानवीय घटना है। BNP पार्टी के संयुक्त महासचिव रोहुल कबीर रिजवी ने आरोप लगाया है कि भारत ने जानबूझकर त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डंबूर बांध का दरवाजा खोला, जिसकी वजह से इतनी भीषण बाढ़ आई। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की परवाह नहीं है। इन सब के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। बांग्लादेश में अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डंबूर बांध का दरवाजा खोलना है, पर यह सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाके में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से दोनों तरफ पानी की समस्या है। दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों देशों के लोगों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि डंबूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर की दूरी से भी ज्यादा है। यह कम ऊंचाई यानी करीब 30 मीटर ऊंचा बांध है, जो बिजली पैदा करता है, और वह बिजली ग्रिड में जाती है। इससे बांग्लादेश को भी त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कई ऐसे पोस्ट वायरल है जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश में पानी छोड़ा, क्योंकि वह शेख हसीना के हटने से नाराज है। एक यूजर ने लिखा कि जो लोग भारत को बांग्लादेश का दोस्त कहते हैं, वे देश के दुश्मन हैं। सच्चाई यह है कि भारत पाकिस्तान दोनों ही बांग्लादेश को कभी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। भारत की वजह से बांग्लादेश अब तक की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। वहीं अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि भारत का मानना है कि बांग्लादेश में पानी अपने आप आया। इसकी वजह नदी में पानी का ज्यादा होना था, जबकि त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री रतन लाल नाथ के मुताबिक डंबूर बांध को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक पानी होने पर वह खुद ही निकलने लगता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बांध का कोई गेट नहीं खोला गया। बांग्लादेश में भारत की वजह से बाढ़ आई या नहीं, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।